मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का हमारा वचन है यशाया की पुस्तक उसका 98 भाग और 14 आयत, जिसमें ये कहता है कि तुम यहोवा में प्रसन्नता प्राप्त करेगा और मैं यहोवा धरती के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मैं तुझको ले जाऊंगा। परमेश्वर यहाँ तो आत्मिक ऊंचाई की बात करते हैं। परमेश्वर हमें नीचे नहीं रहने देना चाहते, परमेश्वर ऊपर का जीवन देना चाहते हैं, ऊंचाई का जीवन देना चाहते हैं, पहाड़ों का जीवन देना चाहते हैं। पहाड़ देखने में बहुत सुंदर होते हैं। अगर आप पहाड़ों को देखें तो उसके जैसा सुंदर और कुछ नहीं दिखता, वहाँ आकाश से जैसे वो मिल जाते हैं। पहाड़ों को अच्छे से देखना हो तो पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ता है, उसकी सही खूबसूरती, उसकी असली खूबसूरती वहीं से अपने दिखती है। पहाड़ों के ऊपर जाने पे दूसरे पहाड़ दिखते हैं, पूरे ग्रीनरी से भरे हुए होते हैं, सब तरफ पेड़ पौधे होते हैं, बहुत खूबसूरत होता है वो। पहाड़ों पे सारी दुर्लभ चीज़ें हमें मिलती है, चाय कॉफ़ी पहाड़ों पे होती है, ऐसे औषधियाँ पहाड़ों पे मिलती है जो कहीं नहीं होती है, ऐसे फल जहाँ होते जो कहीं नहीं होते। पहाड़ों पे पानी टिक नहीं सकता, पानी पहाड़ों से सीधा नीचे नीचे गिर जाता है। हमेशा पहाड़ों पे फ्रेश वाटर ही होता है, पानी नीचे गिर के आसपास के गांवों को वो पानी मिलता है और उसकी नदियां बन के आगे तक जाती है जो समंदर में मिल जाती है। पहाड़ों से जो पानी नीचे उतरता है उसी से जो आसपास के इलाके होते हैं उसमें पानी मिलता है। परमेश्वर यहाँ आत्मिक ऊंचाई की बात करते हैं। पहाड़ों के ऊपर जाना आसान नहीं होता, वो रास्ता सीधा नहीं होता, ना ही ढलान वाला होता है, वो ऊपर तरफ आगे बढ़ता है। सीधे रास्ते पे चलना तो बहुत आसान होता है, ढलान वाले पे तो चलना ही नहीं पड़ता। ये जगत ढलान वाला रास्ता है जिस पे हमें चलना नहीं पड़ता, वो खुद ही हमें आगे आगे लेके जाता है और हम इतने आगे आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने नीचे तक आ गए। पर परमेश्वर का रास्ता पहाड़ का रास्ता है, हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है। जहाँ जाने से पहले आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप ऊपर तरफ जाना चाहते हैं। हमें परमेश्वर के भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऊपर ले जाएगा। रास्ता आसान नहीं होता है, बहुत बारी हम गिरते हैं, बहुत बारी हम चढ़ते हैं, बहुत परिश्रम लगता है ऊपर जाने के लिए, परंतु उससे हमारा शरीर जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है और बड़ी ताकत शरीर को लगती है और ऊपर जाने पे वो एहसास होता है कि शरीर में एक मजबूती आ गई है। परमेश्वर हमें वो आत्मिक मजबूती देना चाहते हैं, इसीलिए कठिनाइयों से और तकलीफों से वो हमें गुजार के हमारे को इतना मजबूत कर देते हैं कि हम आत्मा में इतने मजबूत हो जाते हैं कि हमें फिर जगत का कुछ भी हमें डिगा नहीं सकता। हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है और हम परमेश्वर की तरफ ताकते हैं। परमेश्वर ने सारे ही अद्भुत काम, अपने वचन, अपना दर्शन बहुत बारी पहाड़ों के ऊपर दिया है। अगर हम देखें तो इब्राहिम को वो पहाड़ के ऊपर लेके गए थे जहाँ पे उसको इसहाक का बलिदान करना था। वहाँ पे परमेश्वर ने उसकी जांच करी कि क्या ये उसका इकलौता पुत्र मेरे लिए दे सकता है। इब्राहिम उसमें खरा उतरा और परमेश्वर ने उसको मेमना दिया और परमेश्वर ने उसको बताया कि सारी भरपूरी मैं दे सकता हूँ। मूसा को उसने पहाड़ पे बुलाया और मूसा को पहाड़ पे एक बार नहीं, कई बार उसने मूसा को पहाड़ पे ले के जाके उसका वचन दिया। अगर हम पूरा निर्गमन देखते हैं तो मूसा को जिस तरह से उसने मुलाकात मंडप का और अपने वचन और हमारी 10 आज्ञाएं और जो भी अपने लोग के लिए परमेश्वर कहना चाहता था सब कुछ उसने पहाड़ पे जाके दिया था। वचन कहता है कि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरता था तो उसका चेहरा इतना प्रकाश से भरा हुआ था कि लोग उसका चेहरा देख नहीं पाते थे। कई बार मूसा अगुवाओं के साथ पहाड़ पे जाता था पर परमेश्वर उन अगुवाओं को, जो चुने हुए लोग थे, उन अगुवाओं को वहीं नीचे छोड़ देते थे और केवल मूसा को बोलते थे कि तू ऊपर आ, क्योंकि वो ऊंचाई पे लेके जाना चाहते थे मूसा को, जहां केवल परमेश्वर हो और मूसा हो और मूसा से वो अपनी बात कहना चाहते थे। वहां पे उसको कई बार मूसा को अपना दर्शन दिया उन्होंने। अगर हम प्रभु यीशु के बारे में देखें तो प्रभु यीशु पिता का भजन करने के लिए पहाड़ पे जाते थे जहाँ पे केवल पिता और प्रभु यीशु दो ही होते थे। हम सुसमाचार में कई बार देखते हैं कि
प्रभु यीशु अपना समय पहाड़ों पे जाके बिताते थे कि जहां वो पिता से अगुवाई लेते थे कि आगे उन्हें क्या करना है, जहां पे वो पिता का भजन करते थे, जहां पे जाके वो पिता से अनुमति लेते थे, जहां पे जाके वो नया सामर्थ पाते थे। प्रभु यीशु को पकड़ने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को भी वहां लेके गए थे, जहां पे उन्होंने एलिया और मूसा के साथ अपना नया दर्शन दिया। और जब प्रभु यीशु पृथ्वी से उठा लिए गए तब भी उन्होंने केवल अपने चेलों को लेके गए थे कि उस पहाड़ी से फिर प्रभु यीशु को ऊपर लेके गए, जहां पे प्रभु यीशु ने और एक वादा किया कि जैसे वो ऊपर लिए गए हैं वैसे ही वो हमें भी अपने पास लेके जाएंगे और हमारे साथ वो जुड़ गए। परमेश्वर हमें भी आत्मा में ऊंचाई का जीवन देना चाहते हैं, पर उसके लिए हमें अकेले में उनके साथ रहना होगा, जहाँ पे केवल परमेश्वर और आप हो और वो हमें एक नया दर्शन देंगे, जहाँ पे वो हमें अपना प्रकटीकरण देंगे, जहाँ पे वो हमें वचन की समझ देंगे, जहाँ पे वो अपना इरादा हमें बताएंगे, जहाँ पे वो हमें प्रोफेसी देंगे, जहाँ पे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और मजबूत होगा, जहाँ पे हम परमेश्वर के और करीब जा सकेंगे। परमेश्वर के साथ जुड़ने के द्वारा हम रोज फिर पापों से लड़ते नहीं रहेंगे, ना ही इस लड़ाई का जीवन जिएंगे, पर परमेश्वर के साथ हो लेने से वो सारी तकलीफें हम पीछे छोड़ देंगे और हम ऊंचाई का जीवन प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचनों में हम बने रहे और उनके साथ हो सके उतना ज्यादा समय बिताए, क्योंकि ऊंचाई पे हम केवल अकेले होते हैं। आइए प्रार्थना करें। ए हमारे पिता, आपके वादे के लिए, आपकी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें आपके वचनों की समझ दे और आपके साथ बिताने हर समय को आप आशीष से भर दे। हमें वो मन दे कि हम आपके साथ अकेले में समय बिता पाए और आपकी गहरी बातों को, आपके गहरे राज को जो आपने हमारे लिए रखा है वो हम समझ पाए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।